हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑन पॉइंट। और आज मैं आया हूँ कांदिवली में आपको रिव्यू देने के लिए कबीर सिंह मूवी का। आज मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जिन लोगों ने देखा है उनसे लूँगा रिव्यू और जानूंगा कैसी है कबीर सिंह मूवी और आप तक पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो आज कबीर सिंह मूवी जाने का तो आप ये रिव्यू ज़रूर देखें और आपको आइडिया आ जाएगा ये मूवी देखने जैसी है या नहीं, और है तो फिर क्या इसमें है और आपकी मनपसंद चीज़ें है या नहीं है। तो आइए हम चलते जो अभी एक शो छूटा है वहाँ से लोगों से जानते हैं कैसी लगी उनकी ये मूवी। तो चलिए चलते हैं पब्लिक के पास। कभी ऐसी मूवी देखी आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट मूवी जैसा था कि मैंने देखी है, कोई वाओ फैक्टर वाला है, लव दिस मूवी। मैम आपको कैसी लगी? एंड सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग इसकी थी बहुत अच्छा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे तो रेटिंग्स बोल जाए कर दो। ओके, सो आप अगर किसी को मूवी देखनी हो तो आप क्या बोलोगे? हैंग ऑन, ओके, हैंग ऑन, वाओ, सुपर, नो वर्ड्स, बिकॉज़ इट्स वाओ, जस्ट गो अहेड। एंड व्हिच वाज द बेस्ट सॉन्ग? आप कोई ऐसा सॉन्ग इस मूवी का जो या फिर एक डायलॉग को आप अपने माइंड में कहना चाहोगे सर? ओके, एक डायलॉग, या सॉन्ग, कोई भी एक लाइन हो सकते, या फिर कोई ऐसी एक्टिंग जो आप मतलब वो एक शाहिद कपूर के सेंस में बताना चाहोगे? यस, हाँ, ये सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी ही। ओके, थैंक यू सो मच। रही बात सिनेमेटोग्राफी, मूवी का सिनेमेटोग्राफी कैसा था? डायरेक्शन वाइज और डायरेक्शन भी अच्छा था, सब अच्छा था। सॉन्ग्स बेस्ट सॉन्ग कौन सा था? तो एक बार सब लोग साथ में या ओके थोड़ा सा और उनकी एंट्री कैसी थी? अगर किसी को अगर ये मूवी देखनी हो तो आप क्या बोलोगे? और भारत को अगर रेटिंग और ये मूवी में तो बहुत कंपेयर, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। अगर तो सुपर रेटिंग देते हैं तो भी जरूरी है,
और यहाँ जीरो सलमान खान की जीरो एक महीने से क्रेज था हमारा और सबसे बेहतरीन इसमें शाहिद कपूर और एक्ट्रेस में अगर देखा जाए कियारा आडवाणी की रोल है राइट सो वो भी अपकमिंग स्टार तो उनके सबसे अपकमिंग ऐसे ओके और अगर आप देखा जाए ये मूवी सिनेमाटोग्राफी जी कैसी लगी जी जी शॉर्ट्स अच्छे और सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा जब ये एंट्री होती है शाहिद कपूर की एंट्री कहता है मेरी उम्र के नौजवान राइट और इसमें जो लव स्टोरी दिखाई तो हार नहीं मान रहा है एंड तक राइट और उसके पीछे भी जो रीजन था जो क्लाइमेक्स तो वो क्लाइमेक्स कैसा लगा आपको अच्छा और अगर ओवरऑल देखे तो ये मूवी का फाइव स्टार का रेट सिक्स फोर फोर हाँ सिक्स हाँ फाइव फाइव तो मतलब ओवरऑल ये मूवी जो है वो कौन से एज के लिए है तो इसमें जो लव स्टोरी है वो आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं अगर लव लव लाइफ है आपकी लाइफ आपके लाइफ में लव लाइफ है सच बता रहे यार नॉट नाउ मतलब तीनों अभी फिलहाल सिंगल है यस मतलब कोई चांस नहीं है फिलहाल की मूवी इसमें से ये सीखने मिलता है कि कबीर सिंह इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन ओके मतलब वो लव स्टोरी और प्रोफेशनल लाइफ को एक बार नॉट मिक्स्ड अप विद हिज प्रोफेशनल लाइफ एंड लव लाइफ और बाकी इसमें और कोई चीज़ आपको जो सबसे बेहतरीन लगी थी सीन का शाहिद कपूर की बहुत अभी कबीर सिंह इज बेस्ट फ्रेंड हिज बाइक कबीर सिंह इज बेस्ट फ्रेंड बहुत सपोर्टिव बहुत सपोर्टिव आपके लाइफ में सपोर्ट मिलता है आपका आपके लाइफ में और आपके लाइफ में अच्छा मतलब आप दोनों ऐसा रख रहे हो कि तो मेरा नाम नहीं है फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्डहुड वैसे तो हम तीनों चाइल्डहुड से अच्छा आप दोनों भाई हो फ्रेंड ये माय ब्रदर ओके थैंक यू सो मच आप लोगों को कबीर सिंह कबीर सिंह मतलब उसका तो अभी ट्रेंड ही चल रहा है मतलब सब जगह उसके गाने वाने सुन रहे हैं वो देखना भी अच्छा लगा आपको शायद तो पूरी मूवी की लाइफ लाइन है उसी के ऊपर फुल मूवी है बहुत अच्छा अगर देखा जाए इसकी मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में तो सिनेमाटोग्राफी कैसी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी मतलब हाँ देखने लायक है मतलब हर सब जगह देख सकते हैं और इसका जो डायरेक्शन था डायरेक्टर वो कैसे डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था मतलब मूवी तो है ही मतलब चाहिए तो पूरा कियारा आडवाणी का मतलब वो अलग ही केमिस्ट्री दिखती है एंड अगर पूछे तो बेस्ट सॉन्ग जो मूवी का अगर पूछा जाए पर्सनली तो आपको कौन सा लगता है ठीक है सो मतलब वो सॉन्ग जैसे कि हम लोग ने बहुत लोगों से पूछा है तो सबका यही कहना देख वाली उसकी बेस्ट सॉन्ग और अगर रही एंट्री के बाद मैंने देखा है कि सबसे बेस्ट शाहिद कपूर की एंट्री तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बहुत सबसे अच्छा कभी भी मतलब वो बाइक से जो एंट्री करता है कॉलेज में हाँ मतलब वो तो अलग ही था जैसे एंट्री पूरे थिएटर में रिसल्ट एंड क्लैपिंग ऑल सब चालू हो गया था अच्छा मतलब चीयर ऑन करना सब चालू मेमोरेबल एंट्री रहेगा शायद अच्छा बहुत अच्छा ओके और जैसे कि ये मूवी में लव स्टोरी और प्रोफेशनल लाइफ का जो स्टोरी बताने की कोशिश की है राइट तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है मतलब आपकी कोई लव लाइफ नहीं इसकी गर्लफ्रेंड अच्छा तो ये सब लोग का कहना है कि आपके लाइफ में ऐसा होता है तो क्या ये लगता है अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग मतलब मूवी पे कोई सीन ऐसा जो आप उसको आपकी आपके फ्रेंड को बताना चाहोगे किसी को बताना चाहोगे हाँ उसको बोलना चाहूँगा कि मिक्स मत कर प्रोफेशनल और पर्सनल ये बहुत बहुत हो गया आजकल तो सो मतलब आप उनको ये बताना चाहिए और कबीर सिंह का एक फ्रेंड था जो उसका भाई सपोर्ट नहीं कर आपके लाइफ में सब हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बढ़िया राइट एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपकी मूवी को कितना रेटिंग देना चाहिए आपको फाइव 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 फाइव
एंड शाहिद कपूर की बेस्ट मूवी या इससे अच्छी कोई मूवी ऐसी होगी? बेस्ट बेस्ट की बेस्ट आज से की, मतलब शाहिद कपूर जितनी देखी है उससे तो यही बेस्ट है। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने पब्लिक से रिव्यू लिए, जो लोग ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है और ये मूवी देखने के बाद उनके रिएक्शन काफ़ी अच्छे हैं और सबने 5 out of average देखा जाए तो 4 मिला है। सो आई वुड सजेस्ट आप ये मूवी देखने ज़रूर जाए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मूवी 18+ है। अगर आप जा रहे हैं सिनेमा हाउस में तो आप अपना ID प्रूफ जरूर कैरी कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे सिनेमा हाउस ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं ID प्रूफ चेक करते हैं। सो आप ID प्रूफ जरूर कैरी कीजिएगा। और आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल ऑन पॉइंट से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपके जो ओपिनियन है। We'll be right back.